नमोस्तु महाराज जी, गुड़गांव से अमित जैन का प्रश्न है। क्या मंदिर में पूजा करते समय धूप दान में धूप खेने से पाप लगता है क्या? नहीं, जो पंथवादी हैं, 13 पंथ का समर्थन करते हैं, वो इसे पाप मानते हैं। उनने तो पूजाओं में से बहुत सी द्रव्य ही निकाल दिए, वो फल नहीं चढ़ाते हैं। श्री फल भी चढ़ाएंगे तो उसके गोले को चढ़ाएंगे, गोले को भी छील करके चढ़ाएंगे तो फल नहीं होता, वो दल होता है। धूप चढ़ाने का अर्थ है कि अग्नि में डालना। प्राचीन मंदिरों में पहले धूप दान हुआ करते थे और धूप दान के अंदर लोग आकर के अपनी धूप चढ़ाते थे। धूप भी एक मांगलिक पदार्थ है, लेकिन कुछ लोगों ने अज्ञानता के कारण से मंदिर से दीपक को भी निकाला, धूप को भी निकाला, फूलों को भी निकाला, नैवेद्य को भी निकाला। काश वो अपनी थाली में से वो चीज़ें निकाल देते जिनमें स्वाद ज़्यादा है, फलों को निकाल देते, फूलों को निकाल देते, ज़्यादा अच्छा था। इसलिए मंदिर में धूप चढ़ाने का प्रावधान है और कोई भी पूजा विधान बिना हवन के पूर्ण नहीं होता, और मंत्र जाप के समय धूप की भी आवश्यकता पड़ती है और साथ ही दीपक की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए चढ़ाना चाहिए। सावधान।